तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर, और आपसे बता दें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिस में क्या क्या है संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। एक बात बता दें, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं एग्जाम टूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपका एग्जाम लिया गया था उस पर जानकारी दिया गया है। विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा दिनांक 24/8/2023 से 26/8/2023 तक आयोजित की गई थी। यानी कि प्राथमिक वाले भी ध्यान देंगे, माध्यमिक वाले भी ध्यान देंगे एवं उच्च माध्यमिक वाले ध्यान देंगे। प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु संबंधित विषयों पर औपबंधिक उत्तर यानी कि एक आंसर की जारी किया गया था 1/9/2023 एवं द्वितीय औपबंधिक उत्तर 16/9/2023 को आयोग के वेबसाइट पर जारी किया गया था। पहला और दूसरा दो बार जारी कर दिया गया है, पर प्रदर्शित करते हुए क्रमशः दिनांक 5/9/2023 से 11/9/2023 तक, यानी कि 5/7 से लेकर 11 तक के बीच में बहुत सारे अभ्यर्थी का ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या हम आपत्ति नहीं डाले थे तो मेरा अंक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कब तक रिजल्ट आएगा, अगर आपत्ति जो विद्यार्थी जिस पर ज़्यादा डाले थे वही चेक होगा, मेरा नहीं होगा, उसी का आंसर सुधार किया जाए, इन सारे तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे आइए, 5/9/2023 से दिनांक 11/9/2023 तक एवं 18/9/2023 से दिनांक 20/9/2023 तक उम्मीदवार से आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति कहने का अर्थ ये हुआ कि आप किसी भी प्रश्न में, संपूर्ण प्रश्न में कोई भी प्रश्न आपको लगे कि ये प्रश्न का आंसर गलत दिया गया है तो उस पर आप आपत्ति दे सकते हैं। आपत्ति देने के साथ साथ आपको ये भी बताना होता था कि आप कहाँ से ये आपत्ति जो दे रहे हैं, ये डाउट अगर गलत है तो आप कौन सा साक्ष्य लगा रहे हैं, यानी कि प्रमाण के साथ भी आप दे सकते हैं। साक्ष्य इसलिए मांगा जाता है ताकि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पर आपत्ति लगा सकते हैं, इसलिए साक्ष्य मांगा जाता है कि वह कहीं अपने शिक्षक से, अपने मित्र से, या कोई अच्छे UPSC BPSC की तैयारी करते हैं उनसे गाइड लेकर, उनसे नॉलेज प्राप्त करके, या कोई बुक का रेफरेंस दिया जाता है। मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि अच्छे अच्छे बुक का यदि आप रेफरेंस देते हैं, यदि सही पाया जाता है तो उस प्रश्न का आंसर चेंज किया जाता है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत कंडीशन में BPSC के द्वारा एक पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया, और उसमें यह भी होता है यदि आप बार बार करते हैं तो आपको अलग से बैठाकर उस पर बात विचार भी किया जाता है और आपका एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर भी दिया जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, जानिएगा। अब आपसे बता दें, अब आपका जो भी एक एक नोटिस आ रहा है वह रिजल्ट के तरफ बढ़ रहा है, ये भी आप बात जानिए। थोड़ा सा लग रहा है ये समस्या जो 20 तक आपका सुनवाई है उसको लेकर, लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक कदम बढ़ाया जा रहा है ताकि किसी भी अभ्यर्थी को या किसी भी जो एग्ज़ाम दिए हैं उनको ये ना लगे कि कहीं से कोई लेट होने वाला है। लेट होने की चांस बहुत कम है, लेकिन यदि देखा जाए 20 तारीख को क्या होता है उस पर विशेष निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी यदि देखा जाए तो 11th, 12th, 9th, 10th के लिए कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पे, उम्मीदवारों से आपत्ति मांग आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आपत्ति एवं विषयों विशेषज्ञों की समिति द्वारा जो भी आप आपत्ति देते हैं उसके जो प्रश्न जो विशेषज्ञ होते हैं प्रश्न के, उनसे चर्चा किया जाता है, एक टीम बनाया जाता है, उससे विचार विमर्श किया जाता है। विषय विशेषज्ञों की सहमति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत कुछ विषयों के द्वितीय औपबंधिक उत्तर में संशोधन किया गया एवं तत्पश्चात विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 15/10 यानी कि आज के दिन में दिनांक 15/10/2023 से आयोग के वेबसाइट BPSC शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है, जिसमें 6, 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। GS के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पर उपलब्ध रहेंगे, आप जाकर देख सकते हैं। परीक्षा नियंत्रण यानी BPSC TRE बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अब डाल दिया गया। एक बात और समझिएगा, वैसे अभ्यर्थी जो ये मिलान कर लिए होंगे, मैं थोड़ा सा विलम्ब कर दिया 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ताकि आप भी मिलान कर लें। बहुत अभ्यर्थी होते हैं जो तुरंत मिलान करना चाहते हैं, आप इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अब आप जो अंतिम आदर्श उत्तर आया है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, उस संशोधन के उपरांत आपका कितना अंक बढ़ रहा है या आपका अब फिर से घट रहा है, ये संपूर्ण आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वह चाहे 1 to 5 वाले हों या 9th, 10th वाले हों या
11 12th वाले हों। एक कंडीशन और आप समझ लेंगे, यदि 1 to 5 में सीट बचता है तो उसको फिर से ऐड किया जाएगा, ये बात आप भी अब समझ लें। तो ये नहीं है जिनका कम अंक आ रहा होगा, वो 9th 10th हो, 11 12th हो, 6 या कोई भी अभ्यर्थी हो, अब इस बार नया जो भर्ती आएगा उसमें 6 to 8 का भी सीट रहेगा, तो आप उस पर ध्यान दें और अपने आप को अध्ययनरत रखें। ये न समझें कि अभी दुर्गा पूजा है, फिर छठ आने वाला है, दीपावली है, इन सारे चीज़ों में न पड़ें, पूजा पाठ करते रहें, साथ ही साथ अपने तैयारी को वैसे अभ्यर्थी या वैसे व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को दरकिनार करते हैं, वो कोई भी आपके सामने संकट आए, लक्ष्य से बड़ा कोई संकट नहीं हो सकता है। आप जो लक्ष्य डिसाइड किए हैं, जो आपका एम है, उस पर जरूर फोकस करें और पढ़ाई करें। एक बात मैं अंतिम बार बता रहा हूँ, रिजल्ट को लेकर जो है वह 20 तारीख के बाद कुछ हो सकता है, लेकिन 20 के बाद कब, 1 to 5 वाले के लिए, बाकी के लिए कभी भी संभावना बन सकता है, कभी भी दिया जा सकता है। आज अंतिम रूप से आदर्श उत्तर दे दिया गया, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होगा, तो इसलिए मैं सभी अभ्यर्थी से यही विनती करूँगा कि एक बार जरूर जाकर आप इसमें मिलाएँ और बताएँ। यदि आपको लगे कि एग्ज़ाम टूर का काम सही में आप सबके लिए सही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि पुराने व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। जय हिंद।